हमको जला देगा ना। गुड मॉर्निंग, माधुरीपुरी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो सुबह हो गया है, अब हम देखिए पुरी जी उधर घूम के आ गए हैं, अभिषेक के पापा घूम के। देखिए वो खीरा छील रहे हैं, वो अपना काम खुद ही करते हैं, ले लिए धो लिए और वो अपना छील के वो अपना नाश्ता करेंगे। तो खीरा सेव और अखरोट का इनका होता है सुबह। देखिए गाइस, खीरा पापा छील रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अखरोट भी रखा हुआ है पापा का, और ये सेब है। तो सुबह में पापा अभी ब्रेकफास्ट करेंगे ये सारी चीजों का। और ये वाला तुम अखरोट जो लाता है ना, वो बहुत ये होता है, छिलना उलना पड़ता है, तो पापा को थोड़ा दिक्कत होता है। वो वाला क्यों नहीं लाता है? ये वाला अखरोट अच्छा रहता है ना, ये क्या है कि हवा उवा नहीं लगा रहता और अच्छा खाने में टेस्टी लगता है ये वाला, जो जिसमें ये सील्ड होता है ये। अच्छा, तो ये अखरोट खाने का मजा ज्यादा अच्छा है, वो पैकेट वाला अच्छा रहता है। वो वाला ज्यादा अच्छा रहता है, उसमें ज्यादा मेहनत नहीं करना रहता है, पैकेट से निकालो खोलो और खाओ। नहीं लेकिन ये ज्यादा मेहनत नहीं करना होता है। नहीं, ये ज्यादा अच्छा है जो हम लाते हैं, ये पूरा कवर रहता है। मत लाना अब लाना वो वाला, ये जो हम लाया है ना वो अच्छा क्वालिटी का भी है, बहुत मस्त है खाने में, कितना अच्छा लगता है ना पापा। ये वाला जो आप लाया ये आपको अच्छा लगता है कि वो जो छुड़ाया हुआ रहता है वो अच्छा लगता है? पैकेट में जो रहता है जो, ये ठीक लगता है, ये ज्यादा अच्छा लगता है ना, लेकिन मेहनत लगता है। पापा को भी यही अच्छा लगता है, ये वाला नहीं लगता, हाथ से प्रेस करने पड़ना। मैक्सिमम काम पापा अपना खुद से ही कर लेते हैं, जैसे कि देख रहे हैं आप लोग, खीरा वगैरह खुद से छिल रहे हैं, अखरोट को खुद से ये तोड़ के अपना खा रहे हैं आराम से। तो सुबह सुबह का पापा का नाश्ता तो यही ना करते पापा आप, तो खीरा ही वगैरह ना सुबह सुबह। तो तो आपको आपको सुबह क्या अच्छा लगता है, खीरा वगैरह खाना कि रोटी वगैरह खाना, क्या अच्छा लगता है सुबह सुबह? सुबह सुबह फल ही खाना अच्छा लगता है ना, जैसे खीरा से वैसा। कॉर्नफ्लेक्स भी अच्छा लगता है पापा को, अभी कॉर्नफ्लेक्स भी खाएंगे पापा थोड़ा। लेकिन कॉर्नफ्लेक्स देंगे नहीं। अच्छा, सुबह में गैस बनता है दूध से ना। अच्छा, कॉर्नफ्लेक्स तो दूध, कॉर्नफ्लेक्स में जैसे कि गाइस दूध भी होता है ना, तो सुबह सुबह दूध खाली पेट में खाने से थोड़ा गैस और एसिडिटी वगैरह हो सकता है, इसलिए मम्मी क्या करती है कि पापा को सुबह सुबह कॉर्नफ्लेक्स नहीं देती है, और सुबह सुबह पापा यही मतलब कि अपना खीरा वगैरह खाते हैं। और अभी तो गर्मी का भी मौसम आ गया गाइस, तो आप लोग भी घर में सुबह सुबह खाली पेट खीरा खाया कीजिए, काफ़ी अच्छा होता है, खीरा खाने से बहुत फ़ायदा होता है। खीरा खाइए, सीजनल फल जो भी है वो खाइए, और ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाइए। और पापा का तो ये शुरू से हैबिट रहा है ना मम्मी, ठंडा रहे या गर्मी रहे, लेकिन ये हमेशा। और पापा का हैबिट शुरू से रहा है कि पापा थोड़ा खाना पीना पे ध्यान शुरू से देते रहे, और बाहर का तला हुआ भुना हुआ ये सब बाहर का ज्यादा नहीं खाते हैं, बहुत रेयर ही खाते हैं, मतलब कि हम ही लोग कभी बोलते हैं तो खाते हैं ऐसे, पापा अवॉइड करते हैं सारी चीजों को। और देखिए इधर अभिनीश भी आ गया, तो अभी भी ब्रेकफास्ट करेगा और मैं भी करूँगा अभी ब्रेकफास्ट, तो अभी सारे लोग ब्रेकफास्ट करेंगे साथ में, और पापा तो कर रहे हैं और अभी हम लोग करेंगे साथ में फिर ब्रेकफास्ट। तो मम्मी आज क्या बन रहा है ब्रेकफास्ट में? आज हम ब्रेकफास्ट में बनाएंगे, क्योंकि आज छठ का पहला दिन है, नहाए का है, इसीलिए हमारे क्या लहसुन प्याज नहीं बनेगा। अच्छा, आज लहसुन प्याज तो नहीं होगा, तो अभी क्या बन रहा है? हम लोग प्रसाद खाने जाएंगे छठ का। अब तो घाट, आज घाट जाना है? घाट नहीं जाना, आज नहाए खाए। अच्छा, आज नहाए खाए, चावल जो बनता है प्रसाद में, कद्दू दाल चावल, छोटू से एक बार बच्चा में गया था ना, कद्दू दाल खाया था, हम लोग के घर के बगल के आंटी है, तो हम लोग प्रसाद खा के चले आ रहे थे, तो फिर ये रास्ता में कहता था मम्मी और खाएंगे, तो फिर हम इसको ले गए, हम बोले दीदी इसको और दीजिए अभी प्रसाद, दीदी अच्छे से बैठा के खिलाए उसको। कद्दू चावल जो छठ वाला होता है ना, बहुत अच्छा लगता है खाने में हमको, कद्दू कद्दू दाल हमको ऐसे भी बहुत पसंद है, बहुत मजा आता है खाने में। उसका टेस्ट ही बढ़ जाता है छठ में, जो कद्दू दाल जो बनता है ना उसका। प्रसाद तो जितना मान के खा सकते हैं। उस दिन का टेस्ट ही बदल जाता है, क्योंकि छठ का प्रसाद होता है ना, वो बहुत टेस्टी होता है। तो आज हम लोग जाएंगे प्रसाद खाने, इसलिए हमारे यहाँ 3 दिन लहसुन प्याज नहीं बनेगा। अच्छा,
तीन दिन नहीं बना। आज प्रसाद वाला दिन है, कल घाट वाला दिन है? नहीं, कल लोहंडा होता है, खरना का दिन है। अच्छा, कल खरना वाला दिन है, खरना का दिन बोला जाएगा। फिर पालिया रख हो जाएगा, वहाँ तक के नहीं बनेगा लहसुन प्याज। हाँ। फिर बनेगा वही पालन के दिन से। अच्छा, तो अभी नाश्ता में क्या बन रहा है? अभी हम बनाए हैं आलू का भुजिया बनाएंगे, पराठा बनाएंगे और मटर हींग डाल के बना रहे हैं। तो मतलब आलू का भुजिया, रोटी और मटर का घुगनी। हाँ, और दाल बनेगा, मटर का घुगनी और दाल। तो गाइस, आज यही नाश्ता हम लोग करने वाले हैं और अभी नाश्ता बन रहा है और थोड़ी देर में नाश्ता बन के तैयार हो जाएगा। तो फिर हम लोग सब कुछ बैठ के नाश्ता करेंगे, फिर अपना फिर बाहर निकलेंगे अपने अपने काम में सब कोई। फिर देखिए इधर कालू कितना अच्छा से सोया हुआ है, कितना छूने का मन नहीं कर रहा कि नींद इसका खराब हो जाएगा। हाथ से। हाँ, ऐसी रोशनी जो पड़ता है ना, इसके लिए ये ना आँख पर अपना हाथ रख लेता है कालू। देखिए आवाज देता है जब हम बोलते हैं तो ये भी आवाज देता है। कालू नहीं छुए, सोना है। देखिए नहीं छुए। देखिए आँख खोल के देख लेता है और फिर सो जाएगा। सो जा कालू। ये चिंकी को, चिंकी भी सोया हुआ है। दोनों अपना अपना बेड ले लेता है, एक इधर सो गया है, एक उधर सो गया है। और मोनू को कपड़ा आयरन करना है। कैसे आयरन करें, वहाँ कपड़ा देख रही है, कालू सो गया है, जगह नहीं दिख रहा है। तब इसको भाई नींद खराब मत करो, तुम ऐसा करो यहाँ पर जगह बनाओ और तुम इसे यहीं पर आयरन करो। अच्छा, हो जाएगा तुम्हारा ये, वो तो एक कपड़ा करने में क्या दिक्कत है, कर लो, लेकिन इसको मत छेड़ो, सोया है, नींद नहीं खराब करना चाहिए। और कालू भी देखो ना, मटिया मटिया के देख रहा है, देख ही रहा है। अरे वाह, तुम बहुत बदमाश है, बहुत होशियार है तुम, बहुत होशियार है। आप खोलता है और देखता है, बहुत तुम होशियार है। ये भी सोच रहा कहीं हमें उठा नहीं दे, नहीं उठाएंगे कालू। देखिए ब्रेकफास्ट आ गया, जो मम्मी ने ब्रेकफास्ट बनाया है। देखिए पराठा है, भुजिया है और मटर का भी ये भुजिया ही है और ये दाल फ्राई। और देखिए यहाँ पे मोनू भी यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहा है। तो गाइस पराठा है। हाँ, तो गाइस हम लोग सारे लोग नहा भी लिए और नहा के ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और ब्रेकफास्ट करके हम सभी लोग अपने अपने काम पे निकल जाएंगे। तो जल्दी सर नाश्ता करेगा मोनू भी और अभी भी निकलेगा अपना। तो गाइस आज जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज छठ पर्व का नहाई खाई है आज। तो हम लोग देखिए आज हमारे घर पे प्रसाद आया है, मम्मी लेके आई है। हमारे घर के बगल में छठ होता है तो वहाँ से हमारे घर पे प्रसाद आया है नहाई खाई का। तो नहाई खाई में जो प्रसाद होता है वो होता है चावल और कद्दू का दाल और एक सब्जी आलू गोभी का है और साग है। तो देखिए आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए गाइस मैं खा भी रहा हूँ अभी। और ये दाल है कद्दू दाल और ये चावल और ये आलू गोभी की सब्जी और ये साग, पालक का साग है। हाँ, पालक का साग है ये देखिए। और ये देखिए मोनू का भी मम्मी निकाल दी है यहाँ पे। और इसी बर्तन में हमारे के हर घर पे आया है प्रसाद और मम्मी सबको निकाल के दे रही है। और लास्ट में मम्मी भी खाएंगे। हाँ, और देखिए पापा भी मांग मांग के खा रहे हैं। पापा को अच्छा लग रहा है, पापा अच्छा लग रहा है ना प्रसाद खाने में? प्रसाद तो अच्छा लगता ही है। और नहीं छठ का जो प्रसाद होता है उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। और मोनू का भी यहाँ निकल गया और मोनू भी यहाँ बैठा है खाने के लिए, क्योंकि घर में आने से सब लोग खाएगा। हाँ, तो अभी हम लोग सबको ही बैठेंगे, बैठ के अभी लंच में आज हम लोग प्रसाद खा रहे हैं, छठ का जो नहाई खाई का प्रसाद है गाइस। तो अब खा लेते हैं खाना और खाना खा के फिर आज हम लोग कहीं जाएंगे शाम में मम्मी के साथ, थोड़ा सा मम्मी को थोड़ा घूमना है आज शाम में। तो गाइस मिलिए आज हमारे चाय 69 जो कि मुरादाबादी में काफी फेमस है रांची का। और आज हम लोग आए यहाँ पे तंदूरी चाय पीने के लिए, क्योंकि तंदूरी चाय, क्योंकि तंदूरी चाय हम लोग आज हम पहली बार पिएंगे। हाँ, तंदूरी चाय मम्मी पहली बार पी रही है। हाँ, तो हम लोग आए देखिए, हम तो यहाँ पे नहीं जानते थे। हाँ, इनके दुकान का नाम देखे 69 तंदूरी चाय। देखिए दुकान का नाम है चाय 69 तंदूरी चाय। और देखिए यहाँ पे जो तंदूरी चाय जो बन रहा है उसमें देखिए इस तरीके का कुछ बनता है। यहाँ पे जो कूलर होता है, कूलर को इसमें भट्टी में डाला जाता है, पूरा गर्म किया जाता है। अच्छा, तो दीदी ये बताइए कि आप लोग कब से बना रही है तंदूरी चाय? 7 साल से। 7 साल से बना रहे हैं? अच्छा, तो पहले आप लोग उस साइड में बनाते थे ना? हाँ, उस साइड में मुरादी में, उसके बाद फिर इस साइड में आप कर रहे हैं। तो देखिए गाइस कुछ इस तरीके का चाय बनता है ये। We'll be right back.
और ये पीने में हीट रहता है कि पूरा इसमें खोलने लगता है ना, कुछ इस तरीके से। तो गाइस अभी हम लोग चाय पीते हैं, फिर बताएंगे आप लोगों को कैसा था चाय यहाँ का। और दुकान का नाम है चाय 69 तंदूरी चाय, देख लीजिए। और पापा भी पीछे बैठे हैं चाय पीने के लिए, और आज हम लोग पहली बार चाय पियेंगे तंदूरी चाय। तो अभी पीते हैं और पी के आप लोगों को बताते हैं कैसा लगा चाय इनका। मेरा तंदूरी चाय मिल गया मेरे को, और ये देखिए पापा के पास भी है और मम्मी के पास भी। तो हम लोग तीनों मिलके अभी पी रहे हैं तंदूरी चाय, फिर बताते हैं आप लोगों को कैसा, हाँ ये कैसा लगा का मम्मी चाय यहाँ का। बहुत अच्छा लगा, तो टेस्ट बिल्कुल अलग ही है। हाँ पापा आपको कैसा लगा? ठीक लगा, अच्छा लगा। कैसा बताएं, बहुत अच्छा लग रहा है। स्मोकी टेस्ट है, स्मोकी स्मोकी टेस्ट है चाय का। तो का पूरा जैसे हम तंदूर में इतना इसको गर्म किया जाता है ना भट्टा में, ये जो कूलर है कि उसका पूरा जो फ्लेवर होता है वो कूलर का, वो इस चाय में आ चुका है। और ये पीने में काफ़ी मज़ा आ रहा है गाइस अभी। तो अभी मम्मी लोग सबको चाय का मज़ा ले रही है, मम्मी पापा दोनों देखिए चाय का मज़ा ले रहे हैं अभी। कुछ इस तरीके से इसको भट्टे में गर्म किया जाता है कूलर को। इस कुछ ऐसा नज़ारा अभी इस टाइम में शाम में मोरवादी का, काफ़ी भीड़ हो चुका है यहाँ पे, और लोग यहाँ पे हैंगआउट्स के लिए काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे, और काफ़ी मज़ा आता है लोगों को यहाँ पे। देखिए कितना भीड़ हो चुका है यहाँ पे अभी, और काफ़ी प्यारा नज़ारा है अभी शाम में यहाँ पे। और मम्मी अभी चाय पी रही है, और दीदी पूछ रही है मम्मी से कि कैसा लगा चाय। तो दुकान पर काफी भीड़ थी ना, लोग बहुत इंतजार करने के बाद ये तंदूरी चाय मिलता है। और देखिए चाय का दुकान जो है उसका नाम है चाय 69 कूलर चाय। वेट किया तब चाय मिला। लेकिन वेट वेट किया प्रोसेस है ना, प्रोसेस में वेट किया, लेकिन वेट के बाद चाय पीने का मजा ही कुछ अलग है। मजा तो आया चाय पीने में, वेट किया तो उसका कोई ये नहीं लगा कि चलो थोड़ा वेट करना पड़ा। लेकिन अगर आप प्राची में है तो आप आइए यहाँ 69 तंदूरी चाय पीने के लिए। बहुत टेस्टी चाय है। और गाइस देखिए शाम में मोरवादी का कुछ ऐसा नजारा, कितना भीड़ है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, काफी लोग आते हैं यहाँ पे, दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे हैंग आउट के लिए शाम में। देखिए कुछ ऐसा नजारा है अभी, कितना अच्छा लग रहा है गाइस देख सकते हैं आप लोग, कितना अच्छा मौसम। तो रांची का कहना ही नहीं, रांची के मौसम के बारे में तो वो सभी लोग भली भांति जानते हैं जो रांची में रहते हैं। चाय पी के तो बहुत अच्छा लगा, पहली बार पिए थे, टेस्ट भी बहुत अच्छा था। पापा आपको कैसा लगा चाय, तंदूरी चाय? चाय बहुत बढ़िया था, मजा आया ना पीने में। और मौसम कितना अच्छा है यहाँ का, देखिए मौसम का तो क्या ही कहना गाइस, इतना मजा आ रहा है ना यहाँ पे, बहुत मजा आ रहा है हम लोगों को तो आज, मतलब दिल खुश हो गया यहाँ पे, और काफी मजा आ रहा है यहाँ पे। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, आप लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, खुश रहें। बाय बाय।